नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है, जिसको हम गाउट की समस्या भी बोलते हैं, और इसके कारण जो है जोड़ों में जो है क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स में, जैसे हाथ में पैर में क्रिस्टल टाइप्स के बन जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है तो यूरिक एसिड की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 5 तक होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर आपका बढ़ता है 6-7, मतलब नॉर्मल रेंज भी कई बार बढ़ा के रखते हैं बहुत से लेवल वाले, लेकिन जो इंडियंस के लिए वो 5 जो है यूरिक एसिड है, 5 से ऊपर अगर आपका 7-8-9 हो जाता है तो आपको जॉइंट्स पेन हो सकता है, क्रिस्टल बॉडी में बन सकते हैं छोटे छोटे यूरिक एसिड के। तो इसी के लिए आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आजकल यूरिक एसिड की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, बहुत सारे लोगों में, चाहे वो मेल्स हों या फीमेल्स हों, यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या देखी जाती है। मेरा ऑलरेडी इस पर एक वीडियो भी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से यूरिक एसिड का बढ़ने का क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्या उसके कॉजेज सिम्टम्स हैं। तो यूरिक एसिड अगर जो है नॉर्मल जो है 5-6 तक होता है, इससे ऊपर अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको जॉइंट्स में पेन, इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स में क्रिस्टल डिपॉजिट और वेरियस स्किन डिजीज़, जैसे अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम भी कई बार देखने को मिलती है, जिसमें स्किन में रैशेज, लाल लाल छोटे छोटे दाने, इचिंग, खुजली, बर्निंग सेंसेशन, ये सब देखने को आपको मिलेगा। तो यूरिक एसिड के लिए सबसे पहले तो आपको जो है कुछ डाइटरी प्रिकॉशन है, जैसे आप हाई प्रोटीन डाइट या नॉन वेज जो है वो कम से कम लें। हाई प्रोटीन डाइट में जैसे कुछ दालें हुई, जैसे उड़द की दाल या फिर आपके छोले, राजमा, इस तरह की जो आप ज़्यादा खाते हैं उसको कम करें इस तरह की डाइट को। और साथ साथ में जो फली वाली सब्ज़ियाँ होती हैं वो भी, उनमें भी उससे सेवन करने से भी यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन एक जो मेडिसिन है एसिडिकम यूरिकम, जो कि यूरिक एसिड से बनती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। कैसे आपको इसको यूज़ करना है, अगर आप यूरिक एसिड या एसिडिकम यूरिकम के नाम से आती है, अगर 200 पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो हफ्ते में 2 या 3 बार लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, 8-9 से ऊपर है, तो हफ्ते में 2 या 3 बार सुबह सुबह एक बार इसकी 4 बूंद डायरेक्टली टंग पे लेंगे। और अगर आप रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी 30 पोटेंसी जो है एसिडिकम यूरिकम की या यूरिक एसिड की 30 पोटेंसी की 4 बूंद सुबह शाम जो है रेगुलर ले सकते हैं। तो इससे आपको यूरिक एसिड कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आप दूसरी मेडिसिन भी हैं कुछ, जैसे अर्टिका यूरेनस का मदर टिंचर आता है, उसको भी आप लें 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह शाम, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और जर्मन में यूज़ करना चाहते हैं तो एडल 64 नंबर आता है, एडल का 64 नंबर यूरिक एसिड के नाम से, यूरिक एसिड ड्रॉप, तो उसकी भी 10 से 15 बूंद आप आधे कप पानी में ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे। बस ये है कि आपको डाइटरी प्रिकॉशन जो है ज़रूर रखना है, डाइट का कंट्रोल जो है, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, नॉन वेज, फली वाली सब्जियां, इन चीज़ों का कंट्रोल रखना है, वरना तो आपको जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन, इन्फ्लेमेशन, क्रिस्टल फॉर्मेशन होएगा और कई बार स्किन डिजीज़ भी वेरियस तरह की हो सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वारी या क्वेश्चन हो या यूरिक एसिड से रिलेटेड, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।